नेशनल हाईवे 44 एक बहुत अहम प्रोजेक्ट जो फोर लेन का काम चल रहा है उसके लिए एक हमने आज मीटिंग जो रेगुलरली हम मेंटेनेंस का भी और उसकी प्रोग्रेस का जो लेते हैं उसकी आज हमने एक मीटिंग की है रामबन में और सारे जो कंसर्न्ड कॉन्ट्रैक्टर्स थे और आपके जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उन्होंने अटेंड किया है और एक्विजिशन का मैंने पूरा जायज़ा लिया है एक्विजिशन प्रोसेसेस का और जो डेवलपमेंट हो रही है हाईवे की उसको तेज़ करने का चार पांच इश्यूज में जो बड़े उठ रहे हैं लोगों की तरफ से दैट वाज विद रिगार्ड टू डस्ट एंड पोल्यूशन और आल्सो जो बीच में ट्रैफिक जैमिंग हो रही है इसको क्लियर करने के लिए हमने ऑलरेडी डिसीजन लिया हुआ है कि हर फ्राइडे नवंबर 30 तक मेंटेनेंस का काम किया जाएगा ताकि जो एग्जिस्टिंग पोर्शन है हाईवे का जो चल रहा है उसमें क्लियरिंग भी हो जाए और ब्लैक टॉपिंग भी हो जाए जिससे डस्ट का और पोल्यूशन रिड्यूस हो जाए। वाटर टैंकर्स के लिए हमने इनको हिदायत दी है इंक्रीज करने के लिए ताकि ज़्यादा वाटर टैंकर्स चलें जहाँ जहाँ पे डस्ट राइज हो रही है। तो होपफुली इस डिसीजंस जो हमने एक दो लिए हैं उसके रिगार्डिंग जो लोगों को दिक्कत आ रही है इस वक्त नेशनल हाईवे पे उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं।